दीवारों मकानों अहातों से बाहर, दीवारों मकानों अहातों से बाहर, चमन और भी गुलसिता और भी है। पढ़ो और पढ़ाओ करो दिल को रोशन, उजालों की अब दास्तां और भी है। उठाओ नजर वो फलक से भी आगे, जहाँ भी आसमां और भी है, जहाँ भी आसमां और भी है, जहाँ भी आसमां और भी है। पढ़े लिखे नहीं है इसलिए बहुत ज्यादा परेशानी होती थी, कहीं जाने आने में या कहीं जा रहे हैं बस उसका नंबर नहीं देख सकते, समझ में नहीं आता कि आप किससे पूछो तो कोई कुछ का कुछ बता देता है, तो उससे परेशानी होती। या राशन वाले की दुकान पे जाओ, वो कहता सहन करो, तो सहन नहीं कर सकते, तो जब शर्म आती परेशानी होती थी। ये कुछ पढ़ना नहीं आता था, ये बस के नंबर में परेशानी होती थी, ये बाजार जाने के लिए कोई सौदा वौदा लाने के लिए हिसाब जोड़ने में परेशानी होती थी, तो इस वजह से हमने सोचा कि हम पढ़ लें थोड़ा सा। मुझे बड़ा दुख होता है जब मैं अपने ही जैसे आदमियों को बुरी हालत में रहता देखती हूँ। उनके पास भी वही सब कुछ है सिवाय इल्म के जो मेरे पास है, कई लोगों के पास मुझसे ज्यादा है, मगर फिर भी वो अपनी हालत को बेहतर नहीं बनाते। उनके अंदर भी सलाहियतें हैं जैसे हमारे अंदर है, वो भी इंसान है, उनके पास भी सब कुछ वही है। कुदरत ने तो किसी के साथ नाइंसाफी नहीं की, सब कुछ दिया है। बस फर्क यही है कि वो हमने उसको इस्तेमाल किया और वो उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हम उनको मौके फराहम करते हैं कि आइए अपनी सलाहियतों को देखिए, आजमाइए और उनको काम में लाइए और उससे अपनी जिंदगी बेहतर बनाइए, इज्जत पाइए, इज्जत से जीना सीखिए। मलका बाजी पुरानी दिल्ली इलाके के कला महल क्षेत्र में रहती हैं। बचपन से ही उन्हें पढ़ने और पढ़ाने का बेहद शौक था। उस जमाने में जब लोग पढ़ने और पढ़ाने को इतनी अहमियत नहीं देते थे, मलका जी ने तब बीएड एमए की डिग्रियां हासिल की। सामान्य घर गृहस्थी के माहौल में मलका जैसी लड़की के लिए पढ़ाई लिखाई बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने उन सभी चुनौतियों को स्वीकारा जो उनके रास्ते में बाधा बनी। जिंदगी के लंबे सफर में उन्होंने सैकड़ों हजारों बच्चों को पढ़ाया। मलका जी को रिटायर हुए आज 3 साल हो चुके हैं। वे स्कूल में गणित पढ़ाया करती थी। अचानक हंसते खेलते बच्चों का साथ छूटने से मलका जी के कुछ दिन निराशा में बीते। साहस और उत्साह की मूर्ति मलका जी ने इस बात को समझा और अपने पति के पब्लिशिंग हाउस में ध्यान देना शुरू किया। लेकिन जल्द ही इन्होंने समझ लिया कि इनकी जिंदगी का असली मकसद तो कहीं और छुपा है। एक बार फिर मलका जी ने शिक्षा के उद्देश्य को अपनाया, लेकिन इस बार स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे नहीं थे, उनकी जगह ऐसे लोग आए जिन्होंने कभी स्कूल का मुंह तक नहीं देखा था। तो फिर आप मेरे पास आइए, हम बच्चों को पिकनिक भी कराते हैं, हम बच्चों को
सैर भी कराते हैं। ये अब्दुल्ला की टाल के सामने वाली गली, पूजा चलान में अब्दुल्ला की टाल के सामने सामने वाली गली में आप आके मुझसे मिलिए। मेरा नाम मलका बेगम। क्या है? मलका बेगम। मैं इनके करीब गई, उन्हें बताया कि देखो इल्म हासिल करने के क्या क्या फ़ायदे हैं, इनको समझाया और इनकी कुछ कमज़ोरियों को भी मैंने निशानदेही की कि आप में ये कमज़ोरियां हैं जो दूर होनी चाहिए ताकि आप ज़माने के साथ चल सकें और इज्जत से सर उठा के जी सकें। और उन्होंने मेरी बातों को गौर से सुना, क्योंकि हर शख्स इज़्ज़त चाहता है, हर शख्स प्यार चाहता है और बेहतर ज़िंदगी चाहता है, ख़ास तौर से वो गरीब लोग जो कि कहीं बिस्तर ठीक नहीं है तो कहीं घर के पर्दे ठीक नहीं हैं, कहीं घर में पानी पीने का ठीक इंतज़ाम नहीं है। इस हालत को बेहतर बनाने के लिए इनके अंदर ख्वाहिश तो है मगर इनको ज़राए नहीं मालूम। पता है अलीफ से अनार है, जोर से बोलो। मलका जी ने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प की है मेरी। मलका जी ने, अगर मलका जी का साथ नहीं होता तो शायद मैं इसको इतनी कामयाबी से नहीं चला पाती। कदम कदम पे उन्होंने मेरी रहनुमाई की है, हर दूसरे दिन आके सेंटर्स को देखा है, बच्चों से मिली है, उनके कुर्बत हासिल की है। उन बच्चों ने मेरे पास तालीम हासिल की है जो बच्चे शायद उठना बैठना भी नहीं जानते, और मुझे उसके लिए कितनी दिक्कतें हुई। मलका मैडम ने उन दिक्कतों को किस हद तक कम कराया, ये मलका मैडम का बड़ापन है। गोदी में खेलती हैं इसकी हजारों नदियाँ, क्या कहेंगे, गोदी में खेलती हैं इसकी हजारों नदियाँ, गुलशन है जिनके दम से रश्के जिना हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा। फिर एक बात और लगी, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा, सीमा जी 6 से 14 साल के बेसहारा बेबस बच्चों को पढ़ाती थीं। इसके अलावा उन्होंने एक केंद्र सिलाई कढ़ाई सिखाने के लिए भी खोला है। पढ़ने का उद्देश्य सिर्फ अक्षर ज्ञान नहीं, उसको रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे इस्तेमाल किया जाए, असल बात तो ये है। सीमा का मानना है कि छोटे छोटे बच्चे कल जब बड़े होंगे तो इनके सामने जीवन की तमाम समस्याएं आएंगी। हाथ में कुछ हुनर होगा तो बाहर की दुनिया इनके लिए आसान हो जाएगी। साहब से मेरी इंगेजमेंट तो सन 1972 में ही हो गई थी, लेकिन मैं शादी नहीं कर सकी क्योंकि मेरा भाई अकेला रह गया था। और इस दौरान हम लोग आपस में मिलते रहे, मैं उनके यहाँ जाती रही, वो मेरे घर आते रहे, ताल्लुकात हमारे बहुत अच्छे रहे। उस वक्त मेरी उम्र तकरीबन 40 साल की थी जब मैंने शादी की। अब ये मेरी जिंदगी की एक बड़ी कमी थी कि मेरे औलाद नहीं हुई और ना मुझे औलाद होने की उम्मीद थी। तब मैंने अपनी एक जान पहचान से, जिसके शौहर ने उसे तलाक दे दी थी क्योंकि उसे टीबी हो गई थी, उसकी बच्ची को मैंने कहा कि इस बच्ची की सरपरस्ती मैं करूंगी और ये बच्ची अब तुम मुझे दे दो क्योंकि तुम अकेले हाथ से इसकी इतनी अच्छी परवरिश नहीं कर पाओगी। उस वक्त हिना की उम्र तकरीबन 9 साल थी और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी की जो एक कमी थी वो हिना की वजह से पूरी हो गई है। मैं अब अकेला महसूस नहीं करती।
आज मन सास रे ना जाना री, आज मन सास रे ना जाना री, मेरी माँ मेरी माँ, बेटी तन तावली बुला लूंगी, बेटी तन। ये इलाका गरीबी और अनपढ़ता से घिरा है, फिर भी यहाँ के लोगों में गजब का उत्साह है। मलकाबाजी का पूरा प्रयास है कि इस उत्साह को साक्षरता की सही दिशा में मोड़ा जाए। उन्हें पूरी उम्मीद है कि एक दिन उनकी ये कोशिश निरक्षरता को जड़ से मिटा देगी। इसके लिए हमारी मदद इतनी चाहिए लो, मगर इनको पढ़वा लो और इनके साथ साथ थोड़ा बहुत खुद भी पढ़ लो। कुछ मुश्किल नहीं, जो बोलती हो इसी की शक्ल बनानी है, कोई नई जबान थोड़ी सीखनी है। जहालत सारी बुराइयों की जड़ है मेरे नजदीक। जहाँ जहालत है वहीं अंधेरा है, वहीं बहुत सी खराबियां हैं। तो मैं चाहती थी कि घरों में बैठने वाली खवातीन, बच्चे तो कभी न कभी स्कूल चले ही जाते हैं, लेकिन ख्वातीन को स्कूल जाने का मौका कभी नहीं मिलता। तो मैं ये सोचती रहती थी कि किस तरह से इनको ये पढ़ाने पर मैं राजी कर लूँ कि भाई आप भी पढ़िए और अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लाइए। अब सेंटर में जाकर मैं इनके करीब गई, उन्हें बताया कि देखो इल्म हासिल करने के क्या क्या फ़ायदे हैं, इनको समझाया और इनकी कुछ कमज़ोरियों को भी मैंने निशानदेही की कि आप में ये कमज़ोरियाँ हैं जो दूर होनी चाहिए ताकि आप ज़माने के साथ चल सकें और इज़्ज़त से सर उठा के जी सकें। हाँ ज़रा फिर ये शेर पढ़ के सुनाओ। आज जुमे का दिन है, ये मुबारक दिन है, इल्म बड़ी दौलत है, खर्च करो खर्च कर दौलत घट जाएगी, इल्म की दौलत तरक्की पाएगी। क्या इल्म पुराना हो जाता है जैसे कपड़े पुराने होते हैं? इल्म हमेशा ताज़ा रहता है ना। इल्म रुपए पैसे से ज्यादा काम की चीज है। आप बताइए क्या बेइल्म आदमी इल्म वाले के बराबर हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। ये स्कूल बुलबुले खाना के नाम से प्रसिद्ध है। मलकाबाजी ने पहले यहाँ पढ़ा, फिर पढ़ाया। रिटायर होने के बाद भी वे स्कूल के लिए काम करती रहीं, सभी सभा सोसाइटियों में शामिल होती रहीं। वे आज भी इस स्कूल की पेरेंट टीचर्स एसोसिएशन की मेंबर हैं। मलका जी का अनुभव से भरा मार्गदर्शन हमेशा यहाँ के स्कूल के टीचर्स और बच्चों के साथ रहेगा। ऐसे ही लोगों की दुनिया ने इज्जत की है जिन्होंने सबके भले के खातिर अपनी जाने दी हैं, अपना माल लुटाया है, अपनी खुशियां छोड़ी हैं। ये काम हमें सीखना है, यही हमारी जिंदगी का मकसद है। ये कैसे हासिल हो, कैसे हम जाने कि कौन सा काम करें जिससे सबका भला हो। बच्चों ये इल्म हासिल करने से होता है, ये पढ़ने से होता है, ये जानने से होता है ये दूसरे लोग किस तरह दूसरों का भला करते आए हैं। हम भी उनके नक्शे कदम पर चलें और हम भी सबका भला करें और इसी में हमारा भला है। हमारी वालदा बहुत नर्म मिजाज थी, अगरचे उनकी तालीम सिर्फ 5वीं क्लास तक हुई, लेकिन उन्हें ये अरमान था कि वो खुद भी पढ़ती। अब खुद नहीं पढ़ सकी तो उन्होंने सोचा मैं अपनी औलाद को बहुत पढ़ाऊंगी। उन्होंने हमारी मजहबी तालीम अपने जिम्मे ली और हमें कुरान शरीफ की तालीम खुद देती थी। रोज़ाना बाकायदगी से हमें बिठाती, एक एक हर्फ समझाती, आयतें ठहराती और बड़ी मेहनत से हमारी तालीम तरबियत करती। हमारे ज़माने में पर्दे का बहुत सख्त रिवाज था, कोई बगैर बुरके घर से बाहर नहीं निकल सकता था और स्कूल वालों की ये शर्त थी कि हम बुरका लेके स्कूल में नहीं जाएंगे। इस बात के लिए कोशा है कि
कैसी क्लास के अंदर मैं अपनी आदत के मुताबिक सबसे आखिरी सीट पर बैठा करती थी और पूरी ध्यान से सबक सुना करती थी। पीछे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता था मुझे। मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। जो जो टीचर पढ़ाती जाती थी मेरे दिमाग में नक्श हो जाता था। यहाँ तक कि जब प्रिंसिपल ज्योमेट्री पढ़ाती थी तो मुझे ये भी याद रहता था कि उन्होंने ब्लैक बोर्ड के किस कोने पे कौन सा लफ्ज लिखा था। मलका बाजी इस इलाके की जानी मानी गणित की टीचर हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि कैसा भी गणित का सवाल हो वे उसे आसानी से हल कर देंगी। यही वजह है कि उनके पास गणित पढ़ने वाली लड़कियों का तांता लगा रहता है। अच्छा ये नहीं आया, देखो बेटी, ये 3-1 की बजाय ये आपको प्लस करना पड़ेगा। ये प्लस ठीक है आपका। जरा देखिए जो माइनस आएगा ना, इसका मतलब है एक प्लस का होगा, एक माइनस का होगा, ठीक है ना? अब प्लस का कौन सा? इसी पढ़ने और पढ़ाने के सिलसिले में उनकी मुलाकात हुई शाजिया से। शाजिया 10वीं कक्षा में पढ़ रही हैं। मलका जी ने उन्हें अपने मोहल्ले में एक साक्षरता केंद्र खोलने की सलाह दी और शाजिया ने उनकी बात मान ली। तो दोनों को जीरो के बराबर रख के फिर हमें करना पड़ेगा। पवन, पवन, वतन, वतन, शकर, शकर, शरबत, शरबत, भवन, भवन, शलजम, शलजम, फल, फल, नल, नल, कलम, कलम, लट, लट, कवच, कवच, शरबत लिखो। सेंटर चलाने में पहले तो ये कि मुझसे बड़ी औरतें पढ़ाती हैं, जिन्हें मैं अगर डांटूं तो मुझे अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो मुझसे बड़ी हैं। पहली बात वो इतना भी नहीं आता कि उन्हें पहले तो कि वो कुछ पढ़ें, ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ भी उन्हें सही से उतारा नहीं जाता था, लेकिन अब उतार लेती हैं वो। और जैसे कि मैं पढ़ाती हूँ तो दो तीन चार बार उन्हें पढ़ाना पड़ता है, जब तक उन्हें समझ में नहीं आता, जब तक मुझे 4-5 बार नहीं पढ़ाती हूँ। उन्हें लिखवाओ तो बताना पड़ता है उनकी कॉपी पे भी कि इस तरह नहीं इस तरह लिखो। और तो वो बोलती बहुत है, बोलने से बहुत दिक्कत होती है मुझे। हाँ शाजिया, तुम्हारे शाजिया उम्र में काफी छोटी हैं। कम अनुभव के कारण केंद्र चलाने में उन्हें कई तरह की समस्याएं आती हैं। निरक्षर लोग कई बार कुछ वाजिब सवाल कर बैठते हैं। ऐसे समय में काम आता है मलका जी का वर्षों का तजुर्बा। अब तो बच्चों के खातिर भी पढ़ना पड़ेगा। जब आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे और वो किसी से आपको मिलाएंगे तो उनको बड़ी शर्म आएगी ये कहते हुए कि उनकी अम्मा को बिल्कुल पढ़ना लिखना नहीं आता, वो अपना नाम भी नहीं लिख सकती। इसलिए उनको बच्चों की इज्जत रखने के लिए भी पढ़ना चाहिए, उन्हें समझाओ। बच्चों आज हम एक ड्रामा करने जा रहे हैं, खाला की सितम जरीफी। खाला की सितम जरीफी उसको हम ऐसे शुरू करेंगे, पहले बच्चों को एक टीचर बताएगी। शिक्षा का असल उद्देश्य है लोगों को जागरूक बनाना। पर्दों और चार दीवारियों से घिरी औरतों को मलकाबाजी ने जागृत करने का फैसला किया है। इस उद्देश्य से उन्होंने डोर टू डोर नाटक का नया तरीका अपनाया ताकि हम तंदुरुस्त रहें, हाथ में खराब ना हो, गले सड़े फल और बासी खाना नहीं खाना चाहिए, सेहत खराब हो जाती है। अगर फर्ज करो कि सेहत खराब ही हो जाए। नाटक के माध्यम से उन्होंने स्वास्थ्य और साफ सफाई पर भी लोगों का ध्यान आकर्षित किया। माँ मेरा तो बहुत दर्द हो रहा है। चुप का होगा, खाया इसने खा लिया तूने?
क्या खाया है? तू तो बता, तू पता ना, तू उसकी माँ ना है? अरे स्कूल गया था, वहाँ पर इनने एक समोसा खा लिया है। समोसे तो खाया है, कौन सा जहर तो ना खा लिया? तू तो समोसे को ऐसे कह रही जैसे जहर खा लिया हो। चुप कर मेरा बच्चा, चुप कर। पहले ये बता, तू पढ़ंदा बना के, मैं तो कहूँ तुम अंग्रेज की औलाद ही बना देती इसको, क्यों बनाया तूने? तू स्कूल क्यों भेजे? तू ये बता दे, लोंडा कब का गया हुआ स्कूल? अरे सवेरे को जावे है, कुछ खा पी के जावे लोंडा? अरे ना मैया, जो तेरे को ना पता ये बात। देख बीबी, तेरा जी करे तो तू दे दे। फरीदा खातून 12वीं कक्षा में पढ़ती हैं। कुछ समय पहले इनके दोनों हाथों में फ्रैक्चर हो गया, इस कारण इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। वो ऐसा समय था जो फरीदा के लिए भुला पाना मुश्किल है। उस वक्त मलकाबाजी ने फरीदा के टूटे हुए साहस को भरपूर बल दिया। आज उन्हीं की ही सलाह पर फरीदा ने एक साक्षरता केंद्र खोला है। क्या हो जाएगा? ये बात क्या हो जाएगा? हाँ, अरे इसमें जहर मारी गई है, देखना आज लौटा भी मार रहे हैं। मैं बिल्कुल उस वक्त हिम्मत हार चुकी थी, लेकिन क्योंकि मैं ज्यादा वक्त अपने बाजी के पास गुजारती थी, तो बाजी को बस पढ़ाई वगैरह से अलावा बाजी ज्यादा और किसी तरफ नहीं जाती थी। बाजी पढ़ना है, लिखना है, बेटा वो करना है। हालांकि मैं बहुत रोती थी, मैंने कहा नहीं बाजी, अब मुझसे नहीं हो पाएगा, शायद मैं हिम्मत हार चुकी हूँ। लेकिन बाजी ने कहा कि ना करना और हिम्मत हारना तो हमने सीखा ही नहीं, ना हम चाहते हैं कि हम इसको किसी को सिखाएं कि हिम्मत हार जाओ और अपनी छोड़ दो पढ़ाई। देखिए मैं आप लोगों को चार आवाजें पहले सिखा चुकी हूँ, कौन कौन सी? अलिफ, जबर, जेर, पेश, चार आवाज सिखा चुकी हूँ। आज मैं आपको तीन आवाज सिखाऊंगी, ठीक है? अलिफ छोटी है, बड़ी है और वाव, ठीक है? नंबर दो छोटी है, नंबर दो, नंबर तीन बड़ी है, ठीक है? ये आवाजें हमने आपको नहीं सिखाई। वाव जो है वो वाकई आवाज निकालता है, जैसे बे वापिस बो, तो वाव की आवाज आई ना आखिरी में। ऐसे छोटी है, जैसे हम ये की आवाज निकालना चाहते हैं, तो हम कहना चाहते हैं बाजी, तो आखिरी में क्या आया? ये छोटी आई, बे अलिफ ज़बर बा जी में से जी, ठीक है? आ गया, हमने जी में छोटी ये मिला दी। क्या मिलाया हमने जी में? छोटी ये, तो इसकी आवाज ये में हो गई बाजी। दाल जब हम बनाते हैं तो चौक थोड़ी आड़ी रखते हैं, ठीक है? हमने यूं लेकर गए और इसको यूं वापस ले लिया, ये देखो, ठीक है? क्या हो गया ये हमारा दाल। हमें दाल बनाने हैं, दाल बिल्कुल इसी तरीके से बनाएंगे हम, थोड़ी चौक आड़ी रखी, ठीक है? न्यू लेकर गए, इसको न्यू वापस लिया, ठीक है? इसके ऊपर हमने एक नुक्ता लगा दिया, ठीक? क्या हो गया? जाल। देखो ये और इसमें कितना फर्क है, सिर्फ एक नुक्ते का फर्क है ना, आवाज फौरन बदल गई। आवाज कहीं से बदली? हमारी जाल से। मैंने अपने ऊपर ही बात रख के इन लोगों के भी सोचा कि अभी मुझे इंग्लिश इतनी नहीं आती कि मतलब मैं इंग्लिश है ना यूं ही पढ़ लूं, जो मोटी मोटी बुक्स होती हैं, जो कहानियां वगैरह होती हैं, जो मुश्किल सी भी होती है ना, मैं उनको पढ़ के समझ लूं। तो मुझे इतना अजीब लगता है सिर्फ एक इस लैंग्वेज की वजह से कि क्या मैं ये भी नहीं पढ़ सकती। तो मुझे ऐसा लगा कि देखो जिन लोगों को हिंदी नहीं आती, उर्दू नहीं आती, जो कि रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाली लैंग्वेज है, तो उनको क्या महसूस होता होगा। पहले मुझे साइन भी करने नहीं आते थे, बड़ी दिक्कत होती थी। अब मैं खुद साइन कर लेती हूँ, अपना बहुत अच्छे कर लेती हूँ और मुझे काफी पढ़ना आ गया है। बच्चों को मैं, जो बच्चे हैं उनको मैं पढ़ा भी देती हूँ, जो छोटे छोटे अक्षर होते हैं जैसे अली बे ते और मिलाकर पढ़ाना, जैसे बेरे जबर तेरे जबर, जैसे पापा आए, देखो अमरूद लाए, ऐसे ऐसी आवाज से जिस तरह हमें बहन जी पढ़ाती है उसी तरह हम बच्चों से, अपने बच्चों से कहते हैं। मेरा ख्याल है कि अगर एक औरत को पढ़ा दूँ, एक औरत को अच्छा बना दूँ, तो एक खानदान अच्छा बन जाएगा। ये एक लड़की से ज़्यादा अहम बात है कि कोई औरत समझदार, पढ़ी लिखी और कल्चरली अच्छा डेवलप्ड हो। जैसे जाते हैं तो बस के नंबर पढ़ लेते हैं, हिसाब भी जोड़ लेते हैं बनी वाले से, और हिसाब जोड़ भी लेते हैं और मतलब सही करके पैसे भी दे देते हैं उसको, पढ़ लेते हैं कि इतना का सौदा ये इतना हुआ और पैसे दे देते हैं। दो तीलियां कफस की हैं इनकी बिसात क्या, मुर्गे असीर हिम्मत मर्दाना चाहिए, हर रुकावट इंसान के रास्ते से हट जाती है। इंसान में चलने की हिम्मत चाहिए, काट लेना हर कठिन मंजिल का कुछ मुश्किल नहीं, एक फकत इंसान में चलने की हिम्मत चाहिए। हम चलेंगे, हम चल रहे हैं
और एक दिन अपनी मंजिल को जरूर पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि जितने सेंटर मेरे चल रहे हैं, मैं इन सबको इल्म हासिल करने में साक्षर बना दूंगी, इल्म हासिल करने में कामयाब कर दूंगी और फिर मैं नए सेंटर खोलूंगी। एक दिया इल्म का ताजीज जलाए रखना, इल्म का नाम जमाने में सजाए रखना, गुलशने इल्म तुम्हारा है करो जहन नशीं, वादिये इल्म का हर फूल खिलाए रखना।